एबी न्यूज़ सेवन में स्वागत सुस्वागत जमायत उल्लेमा हिंदू प्रेसिडेंट सैयद हजरत मदीनी करीमनगर तेलंगाना स्टेट वारी आध्वर्यंलो करोना पेशेंट्स कोरकु कोत्त आंबुलेंस प्रारंभिंचडं जरिगिंदी। ई संदर्भंगा हजरत मौलाना मात्लाडुतू एलांटि कुलमत भेदालु लेकुंडा अंदरि प्राणालु कापाडालनि आलोचनतो कोत्त आंबुलेंस प्रारंभोत्सव कार्यक्रमं निर्वहिंचडं जरिगिंदी। ఈ కార్యక్రమంలో జియా ఖాన్, మౌలానా ఫుర్ఖాన్, సిద్దిక్ అలీ తదితరులు పాల్గొన్నారు। अस्पतालों के जरिए जिस तरह से मजबूर लोग, बीमार लोग, जिस तरह से उनका इस्तेहसाल हो रहा है और जिस तरह मोटी मोटी रकमें उनसे वसूली जा रही हैं, ऐसी सूरत में जमीयत उलमा के जिम्मेदारों ने ये मुनासिब समझा के लिए बेहतरीन मौका होगा खिदमत का। एम्बुलेंस सर्विस के जरिए इस वक्त जिस तरह से बड़ी बड़ी रकमें ली जा रही हैं वो बहुत बड़ी रकम है। किसी भी अस्पताल से खिते सालिहिन को ले जाने के लिए 4,000 रुपये लिए जा रहे हैं। हमने ये जो एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है वो सिर्फ मुख्तसर सी उनके लिए हमने कीमत 28 खानदानों में, और इसके अलावा जो है प्राइवेट टीचर्स जो लॉकडाउन की वजह से खिदमत अंजाम नहीं दे रहे थे उनके भी जो है जज्वी तौर पर तआवुन किया गया तकरीबन 40 से 50, 2,000 के अतबार से। और ये आज के जो बुलाने का मकसद था कि एम्बुलेंस की ये कोशिशें तकरीबन 1 साल से चल रही थी। 1 साल पहले मीटिंग में, इजलास में जो ये बात आई थी ज़ेर बहस, उस मौके पर जनाब कमालुद्दीन साहब भी मौजूद थे। उस इजलास के अंदर जब ये तकादा रखा गया तो जनाब कमालुद्दीन साहब ने फिलफौर उसके हामी भर ली और इसके लिए आमदा हो गए कि इसके इंशाअल्लाह मैं इंतजाम करूँगा। उस वक्त ये कोशिश थी, लेकिन अब इस वक्त जो है अल्लाह ने अपने फ़ज़्ल से उसका इंतजाम फरमाया, जबकि इसकी ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, जबकि हमने सोचा भी नहीं था। ये यकीनन गैबी अल्लाह की मदद है, इसलिए कि हम तो कोशिश कर रहे थे लेकिन फिलफौर इस वक्त होगा जबकि ज़्यादा ज़रूरत होगी, हम इसका तसव्वुर नहीं रखे थे। तो फौरन जमात कमाल साहब ने उनके फर्जंद के इसरार पर पूरा इंतजाम करके हमको इत्तला दी। उससे पहले हम रद्द भी नहीं करें, उनसे तकादा भी नहीं करें। जब बात हो गई थी, एक दफ़ा दरमियान में ज़ेर बहस आई थी गुफ्तगू, तो इंशाल्लाह करेंगे ये बात पहले थे, लेकिन बाकायदा उन्होंने एम्बुलेंस का इंतजाम किया और हैदराबाद एक्स्ट्रा कामों के लिए भेज कर एम्बुलेंस में शक्ल देने के लिए भेज दिया। हमको इत्तला दी कि भी एम्बुलेंस का इंतजाम हो चुका और मेरे साहिबजादे के इसरार पर गोया के हुआ है और इंशाल्लाह 2-4 रोज में आप हजरात के हवाले की जाएगी। तो गोया कि ये वक्त का तकादा है, जैसा कि आपके सामने आया है कि शहर के हद तक इंशाल्लाह इसकी खिदमात रहेंगी फिलहाल, और आइंदा है इस जमीयत के इस प्लेटफार्म से इंशाल्लाह हासिल रहेंगे। और आप हजरात से भी उम्मीद रख रहे हैं कि जब भी तकादा होगा, जिस एतबार से भी हो सका, हम आप हमारा तआवुन करके इस प्लेटफार्म को मजबूत करेंगे, हम इसी उम्मीद रख रहे हैं। तो लिहाजा अब चूँकि सीपी साहब 9:30 से 10:45 का वक्त दिए थे, अब चूँकि आप हजरात दूर से आए हुए हैं और पहले इसका हम दुआ के जरिए से इफ्तिताह कर लेंगे, दुआ हो जाएगी और फॉर्मेलिटी के तौर पर जो है सीपी साहब से इसका करा देंगे। जो हजरात रुकना चाहें रुक सकते हैं, जो जाने वाले अहबाब हैं जा सकते हैं, उनकी सहूलत के लिए गया कि दुआ का इंतजाम हो रहा है, दुआ कर लेंगे इंशाल्लाह। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا الله अपने फ़ज़्ल से अपने करम से अपने मखलूक की अपनी इंसानियत की बुनियाद पर खिदमत का मौका मरहमत फरमाया। ये जो कुछ भी हुआ ये आप ही के फ़ज़्ल से आप ही के करम से हुआ, ये अल्लाह जैसे आपने ये फ़ज़्ल फरमाया करम फरमाया इसको मज़ीद फ़ज़्ल फरमा कर ये अल्लाह सही अंदाज में खिदमत करने की तौफीक मरहमत फरमा दी, हर अमल में इखलास नसीब फरमा दी। इस काज के लिए, इस काम के लिए जिन अहबाब ने ये अल्लाह फ़िक्रें की हैं, कोशिशें की, उनकी फ़िक्रों ये अल्लाह सही नीयत के साथ खिदमत करना आसान फरमा दी। जो कुछ हुआ आप ही के करम से हुआ, या अल्लाह जो कुछ होगा आप ही के फ़ज़्ल से आप ही के करम से होगा। या अल्लाह हम तो इस लायक नहीं थे, आपने फ़ज़ल फरमाया करम फरमाया हमको मौका मरहमत फरमाया। या अल्लाह सही मानों में खिदमत करने की भी रहनुमाई फरमा दीजिए। या अल्लाह नुसरत का मामला फरमा दीजिए, हम कदम कदम पर आपकी नुसरत के मोहताज हैं। या अल्लाह कदम कदम पर आपके करम के मोहताज हैं, रहम के मोहताज हैं। या अल्लाह आपके फ़ज़ल के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, ये अल्लाह आपकी नुसरत के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। ये अल्लाह करम का मामला फरमा दीजिए, ये अल्लाह अपने फ़ज़ल से अपने करम से अल्लाह जो आजमाइशों के अंदर हम मुब्तला हैं उसको दूर फरमा दीजिए, जो इम्तहान से हम गुजर रहे हैं उसको दूर फरमा दीजिए। ये अल्लाह सारे आलम से, ये अल्लाह ख़ास तौर से इस मुल्क से, अगर इसकी हकीकत है आप बखूबी जानते हैं, ये अल्लाह उसको दूर फरमा दीजिए।
या अल्लाह अगर है तो आप ही की तरफ से है, या अल्लाह दूर होगी तो आप ही के दूर करने से होगी। या अल्लाह इस वक्त बीमार परेशान है, या अल्लाह उनके इलाज के लिए अस्बाब का इंतज़ाम नहीं है, दवाखानों का इंतज़ाम नहीं है, या अल्लाह दवाखानों में सहूलतें नहीं हैं, अस्बाब का और माल का इंतज़ाम नहीं है, हर एतबार से परेशान है। या अल्लाह इस वक्त आप ही की कुदरत, आप ही खुदाई का निज़ाम चल रहा है, हुकूमतें भी ये अल्लाह बेकार हैं। ये अल्लाह अपना फ़ज़्ल फरमा दीजिए, करम फरमा दीजिए, अपनी कुदरत के करिश्मों से ये अल्लाह इन पर आहद का मामला फरमा कर, ये अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती मालामाल फरमा दीजिए, हर असबाब का इंतज़ाम फरमा दीजिए। ये अल्लाह खिदमत करने वालों की खिदमत को कबूल फरमा लीजिए, ये अल्लाह खिदमत करने वालों की खिदमत कबूल फरमा लीजिए, ये अल्लाह मजीद हिम्मत और हौसला उनको नसीब फरमा दीजिए, असबाब का इंतज़ाम फरमा दीजिए ताकि एक सुई के साथ आपके मखलूक की खिदमत कर सकें, ये अल्लाह इंसानियत की बुनियाद पर खिदमत कर सकें। ये अल्लाह करम का मामला फरमा दीजिए। ये अल्लाह आज जिस मकसद से हम जमा हुए हैं, ये अल्लाह जिसका आगाज़ होने जा रहा है, दुआ के दिन जिसका आगाज़ हो रहा है उसमें भरपूर कामयाबी नसीब फरमा दीजिए। ये अल्लाह जो मांगा अपने फ़ज़ल से उसको अता फरमा दीजिए, जो मांगने से लगा उसको भी अपने फ़ज़ल से अता फरमा दीजिए, इन सब दुआओं को अपने फ़ज़ल से अपने करम से कबूल फरमा दीजिए। اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من النبي وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من النبي وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ماري دعائه خايشة محنت अब ऐसी सोशल सर्विस करते हुए लोगों को मरीजों को जितने भी ज़रूरतमंद है वो लोगों को कम अज़ कम फ्री में लेके जा सके, ला सके और आगे भी जो सो बगैर पैसों की इलाज हो सके। पैसे लगाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह बराबर हैं, लेकिन प्रतिमा और उसके आगे जो जाते हैं हम लोग चले मैडम, उसके लिए थोड़े पैसे जो बढ़ा के रखें वो भी सही से अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ में जो ड्राइवर रह रहे हैं उनको अपन प्रतिमा और चरमड़ा कर लिए छोड़ के आए, तो 100 रुपये उनको भत्ता भी अपन अनाउंसमेंट कर लिए, तो इंशाल्लाह वो आदमी इंटरेस्ट से काम करेगा। और वो आदमी जो ड्राइवरिंग कर रहा है प्लस एक छोटा मोटा डॉक्टर की वजह से उनको अपन ऑक्सीजन लगाने का निकालने का वो भी ट्रेनिंग दे के रखे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सा फ़ायदा हो जाता। रसूल करीम का माँ बाप बहुत खुशी और मसरत का मौका है कि करीमनगर में बेशुमार तंजीमें और इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ये खिदमत जमीयत उलमा के मुकद्दर में रखी थी और हज़रत मुफ्ती एतमाद साहब मद्दतिल्लहु की निगरानी में ये काम शुरू हो रहा है। आज का ये दौर जिसमें बीमारों को भी लूटने का लोग सोच रहे हैं, दवाखानों के अंदर उनको बेतहाशा बिलों के ज़रिए से उन लोगों की कमर तोड़ दी जा रही है, और ऐसे हालात के अंदर भी आदमी अगर नेमत की बात है, मैं ये समझता हूँ कि करीमनगर के जितनी भी तंजीमें हैं उनके ज़िम्मे ये काम कर्ज़ था, और इस कर्ज़ को जमीयत उलमा और ख़ुसूसन मुफ्ती एतमादुल हक़ साहब मद्दतिल्लहु ने अल्हम्दुलिल्लाह इस कर्ज़ को चुकाया है। और इस गाड़ी के लिए जो तआवुन करने वाले हैं, जो देने वाले हैं, जनाब कमाल भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह शहर के मुखय्यर लोगों में हैं, बल्कि उनको हातिम करीमनगर कह सकते हैं। अल्लाह ताला ने उनसे बहुत काम लिया, ये काम भी उन्हीं के मुकद्दर में था, अल्लाह ताला कबूल फरमाए हम सब की इन खिदमात को, अल्लाह ताला ज़खीरा आखिरत बनाए। अस्सलाम वालेकुम। इस्तेमाल किया जाए, और आज के जो है ये पैंडमिक हालात ऐसे है कि लोग अपना ज़र ज़ेवर सारे चीज़ें बेच रहे, खड़ा रहें दे रहे, और सारे उसके बावजूद भी वहाँ से लाश मिले लेकिन ज़िंदा वापस आना मुश्किल हो रहा। अब आप कमाल साहब जो है ना एक अच्छा प्रपोज़ल रखे, अलबत्त जिसमें जो है कर अब मुफ्ती साहब ने जवाब दिया उसमें हमें जो है नहीं होता, तो कम से कम अगर हम मुतफ़िक तौर पर एक राय पास करके अगर स्कूल है गेस्ट हाउस है, ये गेस्ट हाउस है